आज की वीडियो में मैं आपको पेंटिंग की एक ऐसी टेक्निक बताऊंगी जो बहुत जल्दी बिकती है। मेरी एट्सी पे भी जितनी भी पेंटिंग शुरू में बिकी थी वो इसी टेक्निक के ऊपर बनी हुई थी, और मैंने बाकी लोगों के शॉप्स पे ऑब्जर्व करने के बाद ये पेंटिंग्स बनाई थी, क्योंकि मैंने ये नोटिस किया था कि बहुत जल्दी ये सेल हो जाती हैं। पर एंड पे मैं आपको इसका एक वर्जन ऐसा भी बताऊँगी जो जल्दी नहीं बिकता। सो आप पूरी वीडियो देख लेना, और पीछे जो आवाज़ आ रही है बारिश की है। पर एनीवे, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज मैंने वीडियो में पेंटिंग चेंज कर दी है, बिकॉज मैंने सोचा सब बहुत बोर हो गए होंगे पुरानी पेंटिंग से। और लेकिन अभी थोड़ी देर में मैं आपको उन पेंटिंग्स के विजुअल्स दिखाऊंगी जिनके बारे में मैं बात करूंगी। बारिश की आवाज़ वैसे अच्छी लगती है, लेकिन वीडियो में मुझे लगता है इतनी अच्छी नहीं आ रही, पर विल सी, एक्सपेरिमेंट ही सही। ये टेक्निक है थिक पेंट यूज़ करने की। आप ट्यूब के अंदर से डायरेक्टली पेंट यूज़ करें, और इतना थिक हो और इतना कॉन्ट्रास्ट हो उसमें और बेस कलर में कि लोगों को क्लियरली पता चले कि इसके ऊपर बहुत थिक पेंट लगा हुआ है। द थिकर द बेटर नहीं कहूँगी मैं, लेकिन कुछ इतना थिक हो कि वो क्लियरली फोटोग्राफ में नज़र आए। उसके बाद आप इसको लाइटिंग ऐसी में कैप्चर करें कि वो कॉन्ट्रास्ट और बढ़ जाए, या फिर आप उसको क्लोजअप्स ऐसे दें उसके कि पता चले लोगों को कि इस पर कुछ ऐसी चीज़ लगी हुई है, चाहे वो कैनवस हो, चाहे वो कोई वुडन पीस हो, चाहे वो जूट का कोई पीस हो, फैब्रिक का पीस हो, कुछ भी चीज़ ऐसी हो जो क्लियरली पता लगे कि अटैच्ड है इस पेंटिंग से, जो कि उतरेगी नहीं, अच्छी तरह से जुड़ी हुई है ये भी पता लग रहा हो, मगर ये पता चल रहा हो कि ये ओरिजिनल पेंटिंग है। क्योंकि प्रिंट्स बहुत ज़्यादा सस्ते मिलते हैं पेंटिंग्स के, और बिल्कुल ओरिजिनल पेंटिंग्स जैसे ही लग रहे होते हैं, मतलब ऑर्डिनरी एक लेमैन को पता नहीं चल सकता कि ये ओरिजिनल पेंटिंग है या प्रिंट्स हैं। मगर किसी ने बहुत एक्सपेंसिव ली है डायरेक्ट फ्रॉम द आर्टिस्ट, तो उसको साथ मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं पसंद। और दूसरा ये कि वैसे भी जनरली लोगों को थिक पेंट पसंद है। मेरी पहली पेंटिंग्स ऐसी ही बिकी थी जो बहुत थिक पेंट्स में थी, और मैंने फिर बहुत सारी बनाई, मैं यहाँ पर सारी दिखा भी नहीं सकती। कैलीग्राफी भी मुझे शुरू में करने का बहुत शौक था, और मैं अग्री करता था कि ट्रेडिशनल कैलीग्राफी ना हो, कोई नया स्टाइल इन्वेंट करूँ इसमें। और स्ट्रेंजली वो पेंटिंग्स बहुत जल्दी बिकती थी, मगर लोग जो लोकल आसपास थे वो बहुत क्रिटिसाइज़ करते थे उन पर, उस कहते थे कि आप कैलीग्राफी है तो सीख लो, या फिर बगैर सीखे क्यों बना रही हो, इतनी बुरी लगती थी सबको वो कैलीग्राफी। बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा मुझे, तो हार्श कमेंट्स आई वुड से। वैसे मेरे पास असर नहीं होना था उन हार्श कमेंट्स का, मैं सोच रही हूँ कि दोबारा से करूँ कैलीग्राफी भी, और ये थिक पेंट वाली टेक्निक भी दोबारा यूज़ करूँ। और मैंने जैसे ही मेरे जहन में आइडिया आया, मैंने सोचा आप लोगों से भी शेयर करूँ, क्योंकि ये ना सिर्फ सेल बहुत जल्दी होती है, आप इन्जॉय करते हैं इनको बनाने में। जब आपकी पेंटिंग सेल होती हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट कर जाता है, और आप बहुत ही मैकेनिकल तरीके से काम करना शुरू कर देते हैं। अव्वल तो पेंटिंग सेल होने से पहले ही आप बहुत ही पैशन के साथ काम करना शुरू कर दें रेगुलरली, तो तभी सेल्स अच्छी होती हैं। लेकिन ये टेक्निक आप यूज़ करके देखें, बिकॉज हर एक को ज़रूरत होती है कि आर्ट वर्क सेल हो, और फिर हम और मटेरियल लेकर आएँ, फिर और काम करें, और आसपास भी सब और सपोर्ट करें काम करने के लिए। तो इसलिए आप ये टेक्निक आई वुड हाईली रिकमेंड कर यूज़ करें। अब इसमें एक चीज़ ऐसी होती है जो नहीं जल्दी बिकती, मैंने दोनों ट्राई करके देखी हैं, और इसलिए मैं सोच रही थी कि ये ज़रूर बता दूँ, ऐसा ना हो कि आप लोग इसको ट्राई करें और वो काम ना करें और आपको समझ ना आए कि मैंने सही मशवरा दिया था या नहीं। तो वो जो चीज़ काम नहीं करती इसमें वो ये है कि हाई कॉन्ट्रास्ट ना हो। मैंने ऐसी भी कई पेंटिंग्स बना के इसी टेक्निक से देखी हैं जिसमें थिक पेंट या कोई चीज़ यूज़ किया, उसके ऊपर अटैच किया कोई चीज़, लेकिन वो सेल जल्दी नहीं हुई क्योंकि उसमें कॉन्ट्रास्ट ही सही नहीं था, उसमें पता ही नहीं चल रहा था कि ये कोई पेंट लगा हुआ है ऊपर एक्स्ट्रा, या कोई थिक पेंट लगा हुआ है। तो आपने ऐसी कॉन्ट्रास्ट को ज़रूर बिल्ड करना है। जैसे बैकग्राउंड अगर डार्क है तो आप थिक पेंट जो ऊपर लगा रहे हैं वो लाइट कलर में लगाएं, या मीडियम कलर को ऐसा चूज़ करें। फिर जो उसका शेडो पड़ रहा है उसको आप किसी सॉफ्टवेयर में थोड़ी इंटेंसिटी भी दे सकते हैं, क्योंकि अगर आप सिर्फ ऊपर एक बल्ब लगा देते हैं और पिक्चर लेते हैं तो फिर तो सारी पेंटिंग डार्क आ जाएगी। आप उसको फिर सॉफ्टवेयर में लाइट करेंगे तो फिर वो शेडोज़ भी डार्क हो जाते हैं। तो आप अगर लाइट करें सॉफ्टवेयर में तो शेडोज़ के ऊपर वापस आप इंटेंसिटी कर लें। मैं हाईली रिकमेंड करूँगी कि आप गेम्प सॉफ्टवेयर, फ्री सॉफ्टवेयर है, उसके 2-3 ट्यूटोरियल्स देखें, और आपको ये ब्रश का इस्तेमाल जो डार्क और लाइट करने का ये पता चलेगा, क्योंकि थंबनेल में चीज़ें नज़र नहीं सही तरह से आती। अब आप लोगों को जब दिखा रहे हैं व्यू किसी चीज़ का, तो आप उसको ओरिजिनल चीज़ नहीं दिखा रहे होते अगर आप उसका कॉन्ट्रास्ट नहीं बढ़ाते या आप उसको क्लियर नहीं करते। तो इस केस में अगर आप उसका कॉन्ट्रास्ट नहीं बढ़ाते तो
वो बेईमानी तो नहीं होगी, लेकिन वो जस्टिस नहीं होगा ना आर्टवर्क के साथ ना देखने वाले के साथ। हो सकता है आप उसका कॉन्ट्रास्ट प्रॉपर करें, उसके शेडो को थोड़ी सी इंटेंसिटी दें, तो फिर देखने वाले को वो ज़्यादा अपीलिंग लगे और वो ख़रीद ले। उसको एक्चुअल पेंटिंग से डिफरेंट बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि सांची पे एक तो वैसे भी वापस हो जाती हैं पेंटिंग्स, और अगर वो एक्चुअल से मैच ना करती हो तो वो वापस कर सकते हैं आपको। और दूसरा ये कि हमें, हमारा ये गोल ही नहीं है, एक्चुअल पेंटिंग ही हमने बेचनी है, वही दिखानी है। तो एक्चुअल से डिफरेंट नहीं करना, लेकिन एक्चुअल में वो शेडोज़ जब लाइट हो जाते हैं आप थोड़ा सा, तो उसको सॉफ्टवेयर में करेंगे ना लाइट को एडजस्ट, क्योंकि अगर आप बहुत ही हार्श बल्ब्स लगाते हैं तो फिर उससे तो सारा कुछ छूट जाता है। बिल्कुल इंटेंस डे लाइट में अगर आप बाहर रख के पेंटिंग की तस्वीर लेते हैं तो वो भी अच्छी नहीं लगती, बिकॉज आर्टवर्क ने इनडोर में लगना है, किसी ने भी अपने सहन में या बाहर धूप में पेंटिंग को नहीं लगाना, तो वो भी जस्टिफाइबल नहीं है कि आप बाहर पेंटिंग की फ़ोटोग्राफ लें। अलबत्त मैंने ये देखा है कि पोर्च में बहुत क्लियर फोटोग्राफ्स आती हैं, यानी पोर्च में आप हैंग करें और डे लाइट में लें फोटोग्राफ, तो वो इनडोर भी हो जाता है एक तरह से और लाइटिंग बहुत अच्छी होती है। पर ये वाली जो स्पेसिफिक पेंटिंग्स मैं आपको कह रही हूँ, ये पोर्च में इतनी ठीक नहीं रहेंगी, ये आप आर्टिफिशियल लाइट में दिखाएं, मगर आप उसको सॉफ्टवेयर में थोड़ी सी लाइटिंग, उसके जो कर्व होता है वो हाई करें, और उसके बाद आप कॉन्ट्रास्ट को एक डार्क ब्रश के साथ, जो सॉफ्टवेयर में ब्रश होता है उसके साथ कॉन्ट्रास्ट को वापस लेकर आएँ, ताकि वो पेंटिंग अच्छी लगे। मैन्युअली कॉन्ट्रास्ट को हाई करना ठीक नहीं रहेगा, उससे पेंटिंग डिफरेंट लगेगी। तो आप एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं, हो सकता है पोर्च में भी हैंग करके बहुत अच्छा ये क्लियरली पता चले कि आपने पेंट ऊपर थिक लगाया हुआ है। अच्छा, आप इसमें सिर्फ पेंट नहीं लगा सकते, आप इसमें, मैंने कई दफ़ा रस्सी के साथ भी अटैच, रस्सी को भी अटैच किया पेंटिंग के साथ, कोई भी चीज़ लगा सकते हैं आपका, मतलब पॉसिबिलिटीज़ आर एंडलेस, लेकिन वो ओरिजिनल काम लगे बस। ये जो मैं आपको पिछली 2-3 वीडियोस में बता रही थी, फीलिंग्स हाउ टू ट्रांसफर योर फीलिंग्स वाली वीडियो, जो है अगर आपने नहीं देखी तो मैं एंड कार्ड पे लगा दूंगी वो, उसमें भी मैंने आपको बताया था एक लावा वो मिलता है मीडियम एक्रेलिक पेंटिंग का, इस तरह के मीडियम्स भी आप यूज़ कर सकते हैं, वो भी अच्छे रहते हैं, उनमें उनकी भी बहुत अच्छी सेल रहती है। लेकिन जो हाइएस्ट और क्विकेस्ट सेल्स मैंने जितनी भी देखी हैं पेंटिंग्स की, वो पेंट थिक यूज़ करने पे देखी हैं। ओह गॉड, हमारे नेबर्स में लोग हॉर्न बजाते हैं और इतनी देर तक बजाते हैं जब तक उनके सर्वेंट्स आके गेट नहीं खोल देते। आई वंडर कि ये क्यों नहीं उतर के, या तो खोल लेते या फिर ये कॉल कर लेते। हर एक के पास मोबाइल है, मगर वो फिर भी हॉर्न ज़रूर बजाएंगे ऊंची आवाज़ में। एनीवेज, पर मैं आपको ये बता रही थी कि आप कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं। अगर आप ऑयल पेंट में काम करते हैं ना, तो ऑयल पेंट बहुत अच्छा इफेक्ट देता है। ऑयल पेंट में जब आप थिक स्ट्रोक्स देते हैं तो वो लाइटिंग में इतने ज़बरदस्त लगते हैं, और ऑयल पेंट एक्सपेंसिव भी बिकती है ऑयल पेंटिंग, तो अगर आपको वो मीडियम पसंद है तो आप ज़रूर उसके अंदर काम करें। मेरी टीचर्स ने बताया था हम लोगों को कि ऑयल पेंट से कई आर्टिस्ट को एलर्जी हो जाती थी, और मुझे बहुत हंसी आई क्लास में, मैंने कहा लो जी, ऑयल पेंट से भी एलर्जी किसी को होती है। बहुत मज़ा आता था ऑयल पेंट में काम करने का, मगर मैंने रियलाइज़ किया कि मुझे ऑयल पेंट से सख्त एलर्जी थी और मुझे आइडिया ही नहीं था उस वक्त। तो ऑयल पेंट से बहुत से आर्टिस्ट को एलर्जी होती है, आपको भी शायद होती हो, अगर नहीं होती तो ज़रूर ऑयल पेंट में बनाएं। मैंने जो पेंटिंग्स ऑयल पेंट बनाई थी शुरू में कैलीग्राफी की, जो एटसी पे बहुत अच्छी सेल हुई थी, वो ऑयल में ही थी, तो उसमें इफ़ेक्ट इतना मज़े का आ जाता है। आप किसी चीज़ से उसको स्क्रैच करते हैं, उसका इफ़ेक्ट ही कुछ और होता है, एक्रेलिक कभी भी उसका मैच नहीं कर पाता। आज मैंने 2-3 वीडियोस रिकॉर्ड करनी थी, लेकिन बारिश हो रही है, पर फिर भी मैं रिकॉर्ड करूँगी और देखते हैं कि साउंड उसकी कैसी रहती है। हालाँकि मैं बेसमेंट में बैठी हुई हूँ, मगर फिर भी साउंड बहुत ज़्यादा आ रही है बारिश की। पर ये मेरी आज की वीडियो थी, और आप ज़रूर ये ट्रिक ट्राई करना और भी वीडियोज़ देखें। मैं इन कार्ड पे लगा दूंगी कुछ यूज़फुल वीडियोस। स्ट्रेंजली बारिश भी रुक गई है, और मेरी तरह से भी खुदा हाफिज़।